नमस्कार, मैं दीक्षा कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को, जैसे कि आप सब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, मैं आप सभी को इसकी शुभकामनाएं देती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 13 अप्रैल को जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, और हर साल जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट भीमगढ़ फोर्ट में जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है। तो इस साल भी जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट भीमगढ़ फोर्ट में जो जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ जो हमने एक नया कंसेप्ट लाया है इसमें, कि हम इसमें जो भागवत गीता का पाठ है 7 डेज का कर रहे हैं, जो कि 5 तारीख को हमारी कलश यात्रा होगी और 6 को फर्स्ट डे होगा भागवत गीता के पाठ का। 6 से लेकर 12 तक भागवत गीता का पाठ चलेगा और 13 को जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाएगी भीमगढ़ फोर्ट में। अगर मैं भीमगढ़ फोर्ट की बात करूँ तो जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट जो ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है, जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो इसको स्पॉन्सर कर रहा है और ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है, प्लस जो रियासी का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिव कमिश्नर जम्मू, ये सारे जो है इसके सपोर्टेड पार्टनर हैं। इसमें जो हमारा प्रोग्राम रहेगा 13 अप्रैल का, अगर मैं बात करूँ तो सुबह जनरल जोरावर सिंह जी की प्रतिमा के आगे जो पंचतंत्र का स्नान करवाया जाएगा, उसके बाद जो कलश यात्रा निकलेगी स्टैचू से, और फिर उसके बाद जो कमल किशोर जी का स्मारक यहाँ पर बना है उस पर हम फूल मालाएं चढ़ाएंगे, उनको हम समर्पित करेंगे फूल मालाएं। उसके बाद जो यहाँ पर ऋषि कुमार जी का स्टैचू है वहाँ पर जो हमारी कलश यात्रा जाएगी और उनको जो फूल मालाओं के साथ उनको समर्पित करेंगे। वहाँ से फिर कलश यात्रा वापस आएगी स्टैचू के पास, और 12 बजे यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगने वाला है जिसमें गवर्नमेंट के 25 स्टॉल होंगे, जैसे फ्लोरिकल्चर अपना स्टॉल लेकर आएगा, शीप हस्बेंड्री या अलग अलग डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट जो कि अपना अपना स्टॉल लेकर आने वाले हैं। और वहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि वहाँ पर जनरल जोरावर सिंह जी के यूटेंसिल्स हैं वो भी इस बार जो है डिस्प्ले होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा, और छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स जैसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन, स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन, पोइट्री कॉम्पिटिशन, ये सब वहाँ पर होने वाला है। तो जितने भी बच्चे देख रहे जो कि कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर ज़रूर आए, जो कि स्लोगन राइटिंग अगर कोई लिखना चाहता है तो वो भी वहाँ पर ज़रूर आए। सिंगर्स को हम वहाँ पर बुला रहे हैं, कोई भी लोकल टैलेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो भी हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। और शाम का इवनिंग का अगर मैं इवेंट बता दूं तो 5 बजे हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होगा जिसमें डोगरी डांस, कुड और डोगरी सिंगर्स, कुछ हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स आएंगे जो जनरल जोरावर सिंह जी की हिस्ट्री बताएंगे, नुक्कड़ नाटक वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पर होने वाली है। और अब रिया बताएगी आपको कि उस टाइम वहाँ पर कौन कौन मौजूद होने वाला है। जी नमस्कार, मैं रिया कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती और जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की ट्रस्टी। सबसे पहले तो आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि दीक्षा जी ने बताया कि 5 तारीख से जो है सप्ताह जो है वो शुरू किया जाएगा। मैं पूरी रियासी की आवाम को इन्वाइट करना चाहूँगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े, और 13 तारीख को जो प्रोग्राम होगा जनरल जोरावर सिंह जी का बर्थ एनिवर्सरी, वो 5 बजे जो है हमारे VIP यहाँ पर आने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे शेर सिंह राणा रहेंगे, जिनके ऊपर अभी मूवी भी बन रही है, जिनके जो एक्टर हैं वो हमारे जम्मू के ही हैं, विद्युत जम्वाल। और उसके अलावा हमारे कुछ पॉलिटिशियंस आने वाले हैं, और डिवकॉम सर हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। उसके अलावा हमारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो होगा ही, उसके अलावा हमारे जो SSP सर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे इस इवेंट में। और मैं आपको बता दूँ ये कल्चरल प्रोग्राम रहेगा, इसमें कुछ हिस्ट्री के ऊपर बातें होंगी, कुछ जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर स्टोरी टेलिंग होंगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। और मेरी यही उम्मीद है जो जो इस वीडियोज़ को देख रहा है वो ज़रूर आए इस इवेंट में। जी जो है वो एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाएगा भीमगढ़ फोर्ट में, जिसमें काफ़ी 25 स्टॉल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लगेंगे, और उसके अलावा जनरल जोरावर सिंह जी के जो बर्तन हैं हमारे पास पड़े हुए हैं 200 साल पुराने, वो भी वहाँ पर डिस्प्ले होंगे।
और शाम को 5 बजे जब VIP एंट्री होगी उसके बाद जो कल्चरल प्रोग्राम है वो शुरू होंगे, जिसमें हमारे नुक्कड़ नाटक रहेंगे और कुछ हेरिटेज के ऊपर रहेगा, उसके अलावा कल्चरल में कुड रहेगा और बैंड जो है वो रियासी का टैलेंट भी वहाँ पर आने वाला है, रियासी बैंड नाम से जो रियासी में मशहूर हैं वो भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं।